हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज एक वीडियो में मैं आपको एक बहुत शानदार और बहुत सिंपल मनी प्लांट सजाने का एक तरीका बताने वाली हूँ। बहुत लोग पानी में लगाते हैं मनी प्लांट और इस कारण भी परेशान होते हैं कि भाई इनमें मच्छर हो जाएंगे और इससे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर कई बार ये होता है, कई लोग बाहर जाते हैं तो गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है प्लांट्स में लगे लगे, तो वो प्लांट सूखने का भी बड़ा डर होता है। तो जो प्लांट्स की वैल्यू होती है वो जो लगा दें लोग उनको ज़्यादा पता होती है। तो इन दोनों परेशानियों से बचने के लिए ये वाटर बॉल्स हैं और ये आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पे आपको मिल जाएंगी। ये मुझे 5 रुपीज़ का पैकेट मिला था। और ये जो वाटर बॉल्स हैं और ये बहुत छोटी छोटी सी हैं और इनको हम इनमें हम मनी प्लांट सजाते हैं, तो आप देखिए कैसा लगता है। तो इसके साइज़ जो है बढ़ के अब जो इनका जो एक्चुअल साइज़ आपको दिख रहा है मस्टर्ड सीड्स के बराबर, जैसे राई के दाने होते हैं वैसे दिख रहे हैं। और इनको हम पानी में डालते हैं तो 10-15 मिनट में इनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और तकरीबन पूरे साइज़ को आने में 5-6 घंटे लगते हैं। तो वो साइज़ जब हो जाता है तो बड़ा कलरफुल सा हो जाता है। तो उसमें हम अपने मनी प्लांट या और भी जो भी प्लांट हम पानी में लगाना चाहते हैं तो उसको लगा सकते हैं। तो हम दोनों चीज़ों से बचे रहते हैं कि जैसे मच्छर होने से और प्लांट के सूख जाने के उससे भी, क्योंकि ये जो बॉल्स हैं अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसी कारण इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और पानी अगर 10-12 दिन नहीं भी मिला तो भी उसमें बॉल्स में इतना पानी होता है कि आपके प्लांट को ये ज़िंदा रखते हैं। आप जब लौटेंगे तो हो सकता है बॉल्स आपका साइज़ इनका श्रिंक हो गया हो पानी नहीं होने के कारण, लेकिन आप जब भी पानी डालेंगे उसमें बॉल्स का साइज़ पहले की तरह हो जाएगा। इसका साइज़ दिखाने के लिए मैं आपको 10 मिनट बाद दिखाती हूँ। इसमें पानी डाल के रख दिया है और 10 मिनट बाद हम फिर से मिलते हैं तो देखते हैं इनका साइज़ कितना बड़ा होता है। टोटल साइज़ बड़ा होने में 5-6 घंटे लगते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं 10 मिनट बाद इनका क्या साइज़ होता है। अभी 10 मिनट हो चुके हैं, आप देखिए जो इनका राई के जितना साइज़ था उससे थोड़ा सा तो बड़ा हो गया है, है ना। देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है, ये देखिए, है ना। और जो मैंने पहले भिगो के रखी हुई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उनका साइज़ क्या है, तो उसको देख के आपको एक फ़ाइन आइडिया हो जाएगा कि किस साइज़ की होंगी। ये देखिए, ये कंचे के साइज़ की हो जाती हैं ये, और बड़ी कलरफुल बॉल्स हैं और ये कई शेप्स में आती हैं, वैसे तो एनिमल्स के शेप में या फ्लावर्स के शेप में। अब इनको सजाने का तरीका बहुत ही आसान है, इनको बस जो है इसको उठा के इसमें बॉटल में आपको डालना है। तो जो भी आप बॉटल लें उसका मुंह थोड़ा सा, माउथ उसका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिसमें कि ये बॉल आसानी से चली जाएँ। और जब भी आप इनको साफ़ करें बॉटल को या इनको बॉल्स को धोना चाहें तो आसानी से निकल आएँ। धोते टाइम बस ध्यान रखिए कि बॉटल के मुँह पर आप अपनी फिंगर्स लगा लें जिससे कि ये जो बॉल्स हैं ड्रेनेज में ना जाने पाए, नाली में ना गिरने पाए, क्योंकि ये वहाँ जाके अपने साइज़ के कारण नाली को भी चोक कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने जैम की बॉटल ली हुई है और इसमें रख रही हूँ। आप कोई लंबी बॉटल भी ले सकते हैं, पर मुझे ये रहता है थोड़े चौड़े मुँह की बॉटल रहती है तो उसमें मैं 1 से 2 से ज़्यादा प्लांट भी लगा सकती हूँ, इसलिए मैं जैम की बॉटल्स का अक्सर यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया और एक और तरीका है, वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम भर देंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे क्योंकि ये मतलब गीली सी रहें। है ना, तो ऊपर तक आ गया, अब ये ऐसे रहेंगी। अब इनका पानी सूखने में बहुत टाइम लगेगा, लगभग 1-1.5 महीना भी लग सकता है, डिपेंड करता है मौसम कौन सा है। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, समर्स में थोड़े और कम जल्दी टाइम में ये पानी वेपराइज हो सकता है। तो एक तरीका तो ये है, इसमें मनी प्लांट लगाया है ट्रेलिंग्स वाला। तो देखिए एक ये हो गया है और दूसरा भी दिखाती हूँ मैं आपको कि दूसरा कैसा लग रहा है। इस वाली जो बॉटल है देखिए कलरफुल दिख रही है ना, काफ़ी अच्छी। इसको आप किसी ऊंची जगह पर रख सकते हैं, पेलमेट के ऊपर, फ्रिज के ऊपर या माइक्रोवेव के ऊपर, और उस पर से मनी प्लांट ऐसा ट्रेलिस में लटकता हुआ बड़ा सुंदर लगता है। मैंने इसकी एक बॉटल फ्रिज उस पर माइक्रोवेव के ऊपर भी रख रखी है और दूसरी ये देखिए
छोटे छोटे मनी प्लांट्स के लीव्स काट के और उनका बंच बना के मैंने छोटी बॉटल में लगाए हुए हैं। तो देखिए, अच्छा है ना ये तरीका, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, है ना। देखिए अच्छा लग रहा है ना। आप और